सो है एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज डिफरेंट बैकग्राउंड है। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग रूम में वीडियो बनाते थे, लेकिन आज ऐसा क्यों है बना रहे हैं जो कि आउटडोर में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसका रीजन आपको आगे बताऊंगा। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कमेंट बॉक्स जो बिल्कुल फुल्ली ओपन है, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। आप लोग की क्वेरी थी कि मैं UPSC का प्रीलिम्स 2024 कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर है मेरा। हाँ बिल्कुल, आप सभी का क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा जायज़ है और आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी मेरा 23 में मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, यानी कि मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ। और लास्ट ईयर का जो रिजल्ट आता है वो अगस्त और सितंबर में आता है, ठीक है। अगस्त सितंबर में आता है DU का, ठीक है। DU का रिजल्ट जो होता है काफ़ी लेट आता है थोड़ा सा, क्योंकि जिस टाइम पर DEF भरा जाता है, यानी जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि UPSC में जो है प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू होता है, सबसे पहले हम प्रीलिम्स देते हैं। तो प्रीलिम्स अगर मैं क्वालिफाई कर लूँगा तो उसके बाद फिर मुझे DEF भरना होता है, और DEF भरना होता है, वो भरना होता है जुलाई में, यानी 15 जुलाई से पहले इस टाइम भर लिया था, ठीक है, इस बार की बात कर रहा हूँ। और हमारा रिजल्ट कब आएगा, मतलब ग्रेजुएशन का, वो रिजल्ट आता है थोड़ा लेट, ठीक है, यानी अगस्त में या सितंबर में आता है। तो अब DEF कहाँ से भरेंगे इसीलिए, और थोड़ा सा मेरा सिलेबस भी थोड़ा लेट हो गया इस वजह से, और तैयारी भी थोड़ी काफ़ी अच्छी नहीं हो पाई है, इस वजह से मैं 2024 में नहीं दे पाऊंगा शायद। क्योंकि टेस्ट सीरीज मैंने जब लगाई उस टाइम पर मुझे कुछ अलग टाइप का लगा कि नहीं यार, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन रिवीजन जो है नहीं हो पाई। और इस चीज़ को आप लोगों को फोकस करने कि रिवीजन जो नहीं हो पाए ना उसको फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं अभी रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद फिर टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उतना जो आउटपुट निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा जिस टाइप से प्रीलिम्स देना होता है, और इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन मोस्टली सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन माइनर सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए, इस वजह से फोकस करने की ज़रूरत है। और साथ में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मैंने रिवीजन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं लगा रहा सिलेबस कंप्लीट करने पर। और ज़्यादातर बात करूं आपको तो सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है, रिवीजन करते रहो साथ साथ के साथ साथ, और मैंने ये नहीं किया, बहुत बड़ी गलती है मेरी। आप लोग को ये नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, जितना पढ़ना है उसकी रिवीजन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है कि रिवीजन करते रहें, ठीक है। और जैसे रिवीजन करते रहोगे उसके बाद फिर आपकी तैयारी में जो है एकदम अच्छे से फोकस करोगे, और आपकी तैयारी में जो चार चांद लगते चले जाएंगे, तो इसी को फोकस करोगे देन आपकी जो है तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे ना उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप जिस टाइम पर रिवीजन कर चुके हो पहले से, और मल्टीपल टाइम जब आप रिवीजन कर चुके हो तो उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज जो सॉल्व करोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी मैंने टेस्ट लगाया था प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज लगाई थी, विजन की टेस्ट सीरीज थी मेरी, तो उसको मैंने लगाया था, उस टाइम पर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं की, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि ग्रेजुएशन के साथ साथ UPSC की तैयारी करें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो प्रॉब्लम इतनी है कि हम दिल्ली नहीं जा सकते या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते हैं। तो आपको बता दूँ, अभी जो है आप लोग ऑनलाइन के फील्ड में आप लोग देखो बहुत सारी कोचिंग्स हैं, ठीक है। और जैसे मैं भी खुद ऑनलाइन ही कर रहा हूँ, बेशक दिल्ली में रह रहा हूँ लेकिन ऑनलाइन कर रहा हूँ, कुछ ऑफलाइन भी है मेरा ऐसे इस टाइप से। तो आप लोग ऑनलाइन ही करें, ठीक है, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, कुछ स्पेशल आप सबको ऑनलाइन मिल जाता है, और ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों आउटपुट जो है काफ़ी अच्छे, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अभी PW ओनली ISA काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करा रहा है ऑफर, यानी दीपावली के उपलक्ष्य में उनको भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट दीपावली के उपलक्ष्य में PW ओनली ISA लेकर आए हैं स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट UPSC एस्पिरेंट्स के लिए उनके फाउंडेशन एंड ऑप्शनल बैचेज पर, जैसे कि प्रहार 2024 के लिए एंड संकल्प 2025 के लिए एंड टाइटन 2025 के लिए, जो कि हिंदी इंग्लिश एंड साथ में इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ऑप्शनल बैच की बात करूँ, ऑप्शनल बैच अवेलेबल है 7999 में, कॉम्बो बैच फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल जो कि संकल्प प्लस ऑप्शनल एंड टाइटन प्लस ऑप्शनल जो कि हिंदी इंग्लिश एंड इंग्लिश मीडियम में, IDMP 3.0 जो के इंटीग्रेटेड डेली MCQ यानी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, आप लोग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेल कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर की बात करूं तो ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में ओपन है, एंड वहीं लखनऊ और पटना में ओपन है। यहाँ पर आपको फ्री मेंटोरशिप मिल जाएगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500 एंड पाएं एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आपको जो फोकस करना है ओनली रिवीजन पर करना है, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ थोड़ा मैनेज करके चले, क्योंकि जिस टाइम पर ग्रेजुएशन में जब एग्जाम होते हैं आपके, BA जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरा ग्रेजुएशन का जब एग्जाम होता है उस टाइम पर जो तैयारी थोड़ी है ना वीक पड़ जाती है, और उसका रीजन सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपकी जो तैयारी है वीक पड़ जाती है, उसका रीजन ये है कि एग्जाम होते हैं, एग्जाम के टाइम पर हम एग्जाम की तैयारी में ही लग जाते हैं, उस टाइम पर ये जो हमारी प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी छूट जाती है। मेरे साथ ये बार बार होता है, हर 6 महीने में एक बार हो जाता है, 4 महीने 5 महीने में जब भी मेरे एग्जाम होते हैं। अब जैसे दिसंबर में मेरे एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर मुझे प्रॉब्लम आएगी और आपको भी आएगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना है कि थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी निकालो, इधर भी निकालो, ऐसे करके आपको, क्योंकि ग्रेजुएशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी ग्रेजुएशन नहीं होगी
तब तक आप जो है एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए मोस्टली जो फोकस करना है आपको ग्रेजुएशन पर करना है, बाकी टाइम बचता है वो आपको प्रिपरेशन में देना है। इस टाइप से आपको मैनेज करके चलना है, इसी प्रकार से मैंने मैनेज किया है, और देन आप लोग जो काफ़ी अच्छी तैयारी कर पाओगे। और आपको जब भी अटैम्प्ट देना है उससे एक साल पहले आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपको जो काफ़ी ज़्यादा रिविजन के लिए टाइम मिल जाए, टेस्ट सीरीज लगाने के लिए टाइम मिल जाए, इस टाइप से जितनी भी चीज़ें हैं उन पर फोकस करने के लिए टाइम मिल जाए। सी सेट की बात करूँ तो सी सेट के लिए मैं कोशिश किया, बहुत सारी कोशिश की मैंने सी सेट पर काम करूँ, सी सेट करूँ, लेकिन क्या है ना कि जीएस के जितने सब्जेक्ट हैं उनको ही कवर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, उनकी रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, सी सेट कहाँ से कर लूँ मैं। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगा कि सोने से पहले एक घंटे सी सेट करके सोऊंगा ना, तब भी मेरा सी सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैनेज करना है, ऐसे करके चलना है। और आपका कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं, और जितने भी क्वेरी, अभी मैं दीपावली थी इस वजह से घर पर आया था, तो अभी आउटडोर आप लोग को शूट दिख रहा होगा, पीछे का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार का है, लेकिन कोई नहीं, इसको मैनेज करना एंड काफ़ी अच्छा होगा, कुछ नया करना चाहिए, आज एक कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी कोई भी क्वेरी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।